हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेटवर्क गिग्स। तो हमने एक वीडियो की थी पीनेट लैब के बारे में कि हम पीनेट लैब को क्यों प्रेफरेंस दे रहे हैं ईवीएनजी पे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम कैसे पीनेट लैब को इंस्टॉल कर सकते हैं और अपग्रेड कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने पीनेट लैब के इमेजेस को डाउनलोड कर रखा है, तो आपको क्या करना है, सिंपली पीनेट लैब की साइट पर जाना है एंड सबसे पहले आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप डाउनलोड्स में जाओगे, यहाँ पे आप डाउनलोड करोगे तो इमेज डाउनलोड होगी एंड उसके बाद आपको ये वाले स्टेप्स फॉलो करने हैं। जैसे ही आपको इमेज मिलेगी वो आपकी .ovi फॉर्मेट में मिलेगी, वहाँ पे आप अपनी मेमोरी, प्रोसेसर वो सारी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं एंड आपको ये वाले ऑप्शन इनेबल करने होंगे। और जो भी आपको वर्चुअल इमेजेस चलानी है, लाइक फायरवॉल है, FMC है, कुछ और है हो, तो उसके लिए आपको ये वाला ऑप्शन क्लिक करना होगा और ये आपका ESXi वर्जन के लिए, राइट। एंड यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल ड्राइव से, गूगल ड्राइव बैकअप वन से या फिर आप मेगा से भी, राइट। एंड उसके बाद आपके जो भी क्रेडेंशियल होते हैं उनसे आप लॉगिन करोगे CALI पे, अगर आपको अपडेट करना है, कुछ और चेक करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो यूज़र नेम रहेगा वो आपका रूट रहेगा एंड पासवर्ड क्या रहेगा, पीनेट रहेगा, ये CALI के हैं। एंड GUI का यूज़र नेम क्या होगा, हमेशा ही एडमिन होगा और पासवर्ड क्या होगा, पीनेट होगा, और उसके साथ जो भी कैप्चा आएगा वो आपको एंटर करना होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी इमेजेस डाउनलोड कर रखी है, तो ये वाला हमारा VMware वर्कस्टेशन है एंड ओपन है वर्चुअल मशीन, जो हमारी इमेज है वो डाउनलोड में है, ये वाली इमेज है। तो जो आपका वर्जन डाउनलोड होगा फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपका 4.2.10 ही होगा एंड उसके बाद हम इसको अपडेट करेंगे, वो हम देखेंगे कैसे अपडेट करेंगे। एंड इसको हटा देते हैं एंड जो भी आप लोकेशन यहाँ पे देना चाहो इंपोर्ट कर दो। तो थोड़ा सा टाइम लगे इंपोर्ट होने में और बेसिक स्टेप्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ क्रिटिकल या ऐसी चीज़ें नहीं हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि हम इसको अपडेट कैसे करेंगे हाईएस्ट वर्जन में। तो अपडेट करने के लिए भी कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, व्हाट यू कैन डू, आपको रिलीज़ में जाना है जहाँ पे आपको इसके एडवांस वर्जन मिलेंगे। लाइक हम स्टार्ट कर रहे हैं 2.10 से, राइट। तो ये आपका वर्जन है जो हम अभी इंस्टॉल कर रहे हैं, बट अगर आपको इससे ज़्यादा अपग्रेड करना है, किसी और स्पेसिफिक वर्जन पे अपग्रेड करना है, तो आप यहाँ से उसका पैच डाउनलोड कर सकते हो, उसको अपग्रेड कर सकते हो और स्टेप्स दिए होंगे। तो हम इसको डायरेक्ट अपग्रेड करेंगे 5.3.11 पे, जो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में है कि हम अपग्रेड कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस करेंगे। तो इसका पैच आपको यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, आप पैच यहाँ से डाउनलोड करोगे और ये वाली कमांड से जो आपको CLI पे रन करनी होगी इस पैच फाइल को कॉपी करने के बाद कहाँ पे, रूट में। ओके, तो वेट करते हैं जैसे ही आपकी इम्पोर्ट हो जाएगी फाइल, उसके बाद हमारे पास मल्टीपल मोड्स हैं इसको ओपन करने के, लाइक मेरे पास ऑफलाइन मोड भी है, ऑनलाइन मोड भी है। तो आज हम सिर्फ ऑफलाइन मोड की बात करेंगे कि ऑफलाइन मोड में हम लाइक EVNG इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं एंड नॉर्मल जो हमारी इमेजेस होती है लाइक राउटर स्विचेस की, उनको हम कैसे इंस्टॉल करेंगे। ओके, तो यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है एंड इंस्टॉल करते हैं। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन एडिट करने हैं तो आप कॉन्फ़िगरेशन को एडिट कर सकते हो यहाँ से। लाइक मैंने 8 GB रैम दे रखी है और मेरे CPU कितने हैं, 4 है, तो मैं इनको 2x2 कर सकता हूँ। नंबर ऑफ़ प्रोसेसर 2 है और कोर भी मैंने 2 ही रखे। यहाँ पे इन दोनों ऑप्शंस को हमें क्या करना है, इनेबल करना है एंड ओके एंड पावर ऑन द डिवाइस। तो VM को इंस्टॉल होने देते हैं। स्टेप्स बहुत इजी है, जैसे हमने वहाँ पे पीनेट की गाइड में देखे हैं। अगर आपको फिर भी कोई चैलेंज आ रहा है आप टेक्स्ट कर सकते हो और हेल्प ले सकते हो। इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, सो हमें वेट करना होगा।
ओके, तो ये इंस्टॉल हो चुका है नॉर्मली। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसको लॉगिन करते हैं, रूट एंड पिनेट, एंड उसके बाद ये ऑप्शन देगा आपको कि आप इसका पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हो और या फिर आप आईपी इसकी स्टैटिक पे लेके जाना चाह रहे हो, तो वो सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। ओके, तो मैंने पासवर्ड चेंज नहीं किया, पासवर्ड हमने डिफ़ॉल्ट रखा। आप डीएनएस चेंज कर सकते हो यहाँ से, आप आईपी डिफाइन कर सकते हो, लाइक आई वांट टू गेट आईपी फ्रॉम डीएचसीपी और आई वांट टू यूज़ एज ए स्टैटिक। तो ऐसा हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हमने डायरेक्ट इसको नॉर्मल रखा, बिकॉज एवरी टाइम व्हेन माय पीनट विल बी ऑन, ऑटोमेटिकली इसको वीएमवेयर के जो डीएचसीपी पूल से वहाँ से आईपी मिल जाएगी, सो नो वरीज। ओके, तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, जैसे ये हमारा इंस्टॉलेशन हो जाएगा एक बार, उसके बाद हम इसको अपग्रेड करेंगे। एंड अपग्रेड करने के लिए आपको, जैसे मैंने बताया था आपको, यहाँ पे क्या करना होगा, रिलीज़ में जाओगे, यहाँ पे आपको लिंक पे क्लिक करना है, एंड हमें एक फ़ाइल मिल जाएगी जो हमारी ये वाली जिप फाइल है। एंड इस जिप फाइल को आपको क्या करना होगा, कॉपी करना होगा कहाँ पे, रूट फोल्डर में, इनसाइड द पीनट लैब विद एस टी एफ एस एफ टी पी क्लाइंट के थ्रू। तो उसके लिए आप विन एस सी पी या फिर फाइल जिला कुछ भी यूज़ कर सकते हो। एंड ये वाली जो पर्टिकुलर कमांड्स हैं, यहाँ से जो भी कमांड आपकी वन बाय आपको रन करनी है सी एल आई पे पीनेट लैब के। ओके, एंड उसके बाद आपको रिबूट करना है एंड आपका अपग्रेड हो जाएगा वर्जन। तो हम देख लेते हैं कि इंस्टॉलेशन कहाँ तक पहुँचा, तो इंस्टॉलेशन हो चुका है हमारा, एंड रूट एंड पीनेट। तो इंस्टॉलेशन हो गया है। ओके, और ये वाली हमारी आईपी है 192.168.176.128, तो इस वाली आईपी को ओपन करके देख लेते हैं, 192.168.176.128। एंड अगर हम चेक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन मिलेंगे, एंड वर्जन इज 4.2.10 ऑफ ऑनलाइन मोड एंड ऑफलाइन मोड। तो ऑनलाइन मोड के अलग बेनिफिट्स है जो हम बाद में बात करेंगे, तो फिलहाल हम इसको ऑफलाइन मोड पे यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने ऑफलाइन मोड यूज़ किया, एंड आफ्टर दैट द यूज़र नेम इज़ एडमिन, पासवर्ड इज़ पीनेट, एंड आपको यहाँ पे डालना है कैप्चा, इट्स एक्सपी एंड समथिंग लाइक दिस, नो कुछ और था वो, तो ये है C9। ओके, हमने इसके पासवर्ड सेव रख लिए, एंड वी कैन क्रिएट ए लैब हियर, एंड लैब का नाम हम देते हैं लैब 1, एंड ऐड। ओके, इसको हम डिलीट कर देते हैं, एंड अगर आप राइट क्लिक करोगे तो नोट्स का ऑप्शन दिखेगा आपको। तो नोट्स में हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट एक डॉकर होता है और एक वर्चुअल पीसी होता है, कोई इमेजेस नहीं है। एंड द सेकेंड थिंग, आप यहाँ पे जाके चेक करोगे, यहाँ पे और ऑप्शन होते हैं नोट्स के, मिलेंगे आपको स्टार्ट स्टॉप वाइप कंसोल एक्सपोर्ट द सी एफ जी, यानी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी उसको। एंड नोड को आप सेट कर सकते हो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन के साथ, कि जब भी डिवाइस ऑन हो तो आप कॉन्फ़िगरेशन डाल सकते हो। वो सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हमारा GUI आ चुका है, वी डोंट हैव इमेजेस। तो मुझे क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, एक विन एस सी पी सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको अपग्रेड मारते हैं, जो हमने फाइल डाउनलोड की है यहाँ से। तो उसको ये वाला स्टेप करते हैं पहले। तो इसके लिए मैंने एक टूल यूज़ किया, टूल नहीं है मेरे पास, तो टूल डाउनलोड कर लेते हैं पहले। ओके
ओके, ये वाला टूल रहेगा एंड डाउनलोड। ओके, टूल हो गया डाउनलोड, इंस्टॉलेशन करते हैं इसकी। नेक्स्ट, तो इसका इंस्टॉलेशन बहुत नॉर्मल है, इजी है, तो आप भी कर सकते हो। ओके, इंस्टॉलेशन के बाद आपको क्या करना है, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको एक्सेस करना है। ओके, आईपी एड्रेस रहेगा जो आपका गोई का आईपी है 176.128 एंड यूजर नेम रहेगा रूट, पासवर्ड पीनेट। ओके, तो ये आपका रूट फोल्डर है, अगर आप बाहर जाओगे तो ये वाला रूट फोल्डर है। एंड डाउनलोड्स, ये वाली फाइल है रूट में। ओके, अब जैसे आपकी ये फाइल कॉपी हो जाएगी तो आपको जो भी वो कमांड्स थी हमने देखी थी रिलीज नोट्स में, एंड उन सारी कमांड्स को आपको क्या करना है, रन करना है। ओके, फाइल कॉपी हो चुकी है तो आपको क्या करना है, इसका CLI लेना है, तो हम SSH ले लेते हैं यहाँ से 176.128, यूजर नेम रूट रहेगा एंड पीनेट। ओके, तो अब रिलीज नोट्स पे चलते हैं। तो पहली कमांड हमारी ये वाली थी अनजिप, आपको इस फाइल को अनजिप करना है। कॉपी, पेस्ट। ओके, वेट करते हैं थोड़ा। एंड नेक्स्ट कमांड इज दिस वन। ओके, नेक्स्ट आपकी ये वाली कमांड है एंड फाइनल आपकी अपग्रेड कमांड है। तो इसके बाद अपग्रेड हो जाएगा। तो पीनट लैब अब अपग्रेड हो रहा है, जैसे अपग्रेड होगा फिर हम इसका दोबारा से गुई रिफ्रेश करेंगे, नया गुई मिलेगा और वहाँ से हम इमेजेस को इजीली इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड कर पाएंगे। तो इमेजेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है अब इस वाले वर्ज़न में, अगर आप ओल्ड वर्ज़न ही यूज़ करोगे 4.2.10 तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। आपको इमेजेस अपने पास रख के ही अपलोड करनी होगी।
थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। यहाँ पे जो अपग्रेडेशन है सक्सेसफुली हो गया हमारा 5.3.11 पे। तो अब हम रिफ्रेश करते हैं ब्राउज़र को और ऑप्शंस देखते हैं कौन कौन से हैं। ओके, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ नोड्स में जाके, तो वही दो नोड है क्योंकि अभी तक हमने ऐसा कुछ किया नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लॉग आउट करता हूँ तो मेरा वर्जन भी अपग्रेड हो गया, राइट। एंड डिफ़ॉल्ट अकाउंट भी दिखा रहा है यहाँ पे कौन कौन से हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, अगर मैं बेसिक को नॉर्मल इमेजेस मुझे चाहिए राउटिंग एंड स्विचिंग से रिलेटेड, तो अभी मेरे पास कोई इमेज नहीं है यहाँ पे, तो मैं क्या कर सकता हूँ। द फर्स्ट ऑप्शन वी हैव आई शेयर टू इन स्मॉल लेटर, सर्च बीन। तो ये इमेजेस मेरे राउटिंग एंड स्विचिंग के लिए कैपेबल हैं, तो इन वाली इमेजेस को मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ, बट आई नीड ए गुड इंटरनेट कनेक्शन। तो हमें क्या करना है उसके बाद, हमें करना है यहाँ पे पुल बीन, और जो इसका नंबर रहेगा यानी इसका कोड रहेगा, तो मैं ये लेयर 3 इमेज यूज़ करना चाहता हूँ, विच इज़ नंबर 14। तो 14 के लिए ये वाली इमेज हमारी L3 15.7 में 2018 डॉट बिन, राइट। तो वेट करते हैं इस वाली इमेज का, एंड उसके बाद हम एक लेयर टू इमेज भी यूज़ करेंगे। लेयर टू कौन कौन सी इमेजेस है यहाँ पे, ये वाली लेयर टू है, ये भी लेयर टू है, ये है आयरन इमेज। अगर आयरन इमेज यूज़ करनी है, 15.2 यूज़ करनी है, उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे। आयरन इमेज कौन सी हमारी, ये 13 वाली है। ओके, जब तक आयरन इमेज होती है हम एक बार गूगल पे देख लेते हैं कि कौन कौन से डिवाइस आ चुके हैं। तो वी नीड टू रिफ्रेश इट। आई गेस फिक्स परमिशन कमांड हमें चलाने की ज़रूरत नहीं है, वो EVNG में होते हैं, अगर आप चला भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे एक आईवल आ चुकी है, एक आईवल राउटर एंड स्विच भी आ गया, बट ये इनवैलिड है क्योंकि हमने डाउनलोड ही नहीं किया, और ये वाले भी नहीं है बिकॉज़ ये हमने यूज़ ही नहीं किया। हमने किए नॉर्मल सिस्को आईवल इमेजेस, ये वाली है जो स्विच की भी आ गई है, बट राउटर वाली ट्राई करके देखते हैं। एंड टर्न ऑन द राउटर, ओके। तो डिवाइस भाई बूट भी हो चुका है हमारा, एंड राउटर इज, एंड सेकंड हमारा स्विच भी हो गया होगा। नोट, उसके बाद आईवल में जाना है आपको, यहाँ पे इमेज चेंज करनी है, दिस मस्ट बी लेयर टू, एंड नेम आप स्विच का दे सकते हो स्विच वन। आइकॉन भी आप राउटर का है तो उसको चेंज कर दो, तो चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, स्विच पे जाना होगा। लेयर 3 स्विच, एंड देयर मस्ट बी लेयर 2। लेयर 2 नहीं दिख रहा हमें, उस स्विच पे ही दिखेगा। ये वाले स्विचेज आ गए हमारे, जैसे ये स्विच है, ये वाले स्विच है, तो जैसे मैं यूज़ कर लेता हूँ ये वाला स्विच सेलेक्ट,
सेव। ओके एंड क्लिक करते हैं इस पे। और स्विच भी बोर्ड हो चुका है, तो ऐसे आप नॉर्मल इमेजेस यूज़ कर सकते हैं राउटर एंड स्विच की। लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे बाकी सारी इमेजेस को, कनेक्टिविटी को लेके, कि हम और अच्छे से कैसे यूज़ कर सकते हैं इस वाले टूल को। अगर आपकी कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरी हो, या फिर कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट हो किसी भी स्पेसिफिक इमेज या टूल को लेके, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।